हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निसर्ग मालवी। ह्यूंडई ने अपनी प्रीमियम सेडान वर्ना का फेसलिफ्ट 2017 में लॉन्च किया था, जबकि वो बहुत पुराना हो गया है। ह्यूंडई ने हाल ही में अपनी सेडान वर्ना का फेसलिफ्ट लॉन्च किया है BS6 नॉर्म्स के साथ, और ये गाड़ी की सीधी सीधी कॉम्पिटिटर सियास एंड होंडा सिटी है। होंडा भी सिटी का फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाला है, लेकिन जो लोग वर्ना के फैन हैं, जिसकी ड्रीम कार वर्ना है, वही ये गाड़ी खरीदते हैं। बाकी लोग क्रेटा का मूड बना लेते हैं, क्योंकि क्रेटा भी लगभग सेम प्राइस रेंज में मिल जाती है। अब सेडान के प्राइस में SUV मिलेगी तो लोग उसको ही खरीदेंगे ना। खैर, तो चलिए देखते हैं कि नई वर्ना में आपको क्या क्या नया मिल जाता है। सबसे पहले इंजन से शुरू करते हैं तो BS6 नॉर्म्स आने के बाद ह्यूंडई ने वर्ना में 2 पेट्रोल इंजन एंड 1 डीजल इंजन ऑफर किए हैं। पहला है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, जो आपको क्रेटा पे भी मिलता है। वो 113 BHP की पावर एंड 144 NM का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन की कंपैरिजन हम पहले मिलने वाले 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ करें तो उसमें 121 BHP की पावर एंड 151 NM का टॉर्क जनरेट होता था। इस इंजन में आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिल जाते हैं। आपको एक और पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जो आपको वेन्यू और i20 में मिल जाता है। वो है 1 लीटर कापा टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो 119 BHP की पावर एंड 172 NM का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन में आपको सिर्फ ऑटोमेटिक DCT ट्रांसमिशन मिलता है, मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलता। तीसरा इंजन है 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो क्रेटा में भी मिलता है आपको। वही सेम इंजन वर्ना में भी ऑफर किया गया है, जो 113 BHP की पावर एंड 250 NM का टॉर्क जनरेट करता है। अगर हम पहले वाले 1.6 लीटर डीजल इंजन से कंपैरिजन करें तो उसमें 126 BHP का पावर एंड 260 NM का टॉर्क जनरेट होता था। ये इंजन में आपको मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, और आप सभी वेरिएंट की माइलेज अभी देख सकते हैं। अब बात करते हैं डिजाइन के बारे में, तो आपको बहुत बड़ी क्रोम कास्केडिंग ग्रिल मिल जाती है, जो वर्ना के लुक को एनहांस कर देती है। LED DRLs, LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। ट्रायंगुलर फोग लैंप भी आपको ऑफर किए गए हैं। हालांकि इसकी लेंथ, हाइट, विड्थ एंड व्हील बेस में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। पहले की तरह आपको 4440 mm की लेंथ, 1729 mm की विड्थ, 1475 mm की हाइट एंड 2600 mm का व्हील बेस आपको मिलता है। साइड प्रोफाइल में आपको विंडो क्रोम वर्क मिलता है, जो गाड़ी का लुक बढ़ा देता है एंड कार ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। बैक साइड की बात करते हैं तो रियल टेल लैंप में कोई इतना खास चेंजेस नहीं किए हैं। आपको LED टेल लैंप्स मिलते हैं। पीछे बम्पर पर भी क्रोम वर्क दिया गया है, जो गाड़ी के लुक को और एनहांस कर देता है। अब इंटीरियर की बात करते हैं तो आपको ब्लैक एंड क्रीम ऐसे ड्यूअल टोन इंटीरियर मिलता है। आपको स्टाइलिश लेदर स्टीयरिंग व्हील मिलता है। हालांकि इसमें क्रेटा की तरह डी का स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता। इसमें आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं। आपको शानदार 8 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले दी गई है, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ। हालांकि वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए नॉब दी गई है, जैसे क्रेटा के AC वेंट में डिजाइन दी गई है, उसी टाइप के AC वेंट आपको ह्यूंडई वर्ना में ऑफर किए गए हैं। इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। सारे फीचर्स वर्ना को पहले से ज्यादा प्रीमियम बना देते हैं। आपको SX वेरिएंट से ही सनरूफ मिलना शुरू हो जाता है, हालांकि पैनारोमिक सनरूफ आपको नहीं मिलता। फ्रंट में 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट एंड USB सॉकेट आपको मिल जाता है। आपको कूल ग्लोव बॉक्स भी मिल जाता है। रियर में AC वेंट एंड रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर दिया गया है, मतलब कि ह्यूंडई ने वर्ना को ज्यादा प्रीमियम बनाने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और अगर आप 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन लेते हो तो उसमें आपको पूरा ब्लैक इंटीरियर मिलता है, जो बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी में मिलता है ड्यूअल एयरबैग, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट प्रिटेंशनल विद लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम एंड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अब प्राइस की बात करते हैं तो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन की एक शोरूम प्राइस है 9.3 लाख टू 13.84 लाख रुपीस। 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन की एक शोरूम प्राइस है 13.99 लाख रुपीस एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन की एक शोरूम प्राइस है 10.65 टू 15.09 लाख रुपीस। तो दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही। आपको वर्ना का फेसलिफ्ट कैसा लगा, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।